हेलो बच्चों, तो आज हम आईमैक्स बुक का क्लास फर्स्ट का पार्ट टू सब्स्ट्रैक्शन लेसन करने वाले हैं बच्चों। जो चैप्टर नंबर फिफ्थ आपको दिया गया है, तो यहाँ पे सब्स्ट्रैक्शन लेसन दिया गया है। सब्स्ट्रैक्शन में आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, लुक एट द ऑब्जेक्ट गिवन और फ्यू ऑफ देम आर क्रॉस आउट इन ईच क्वेश्चन, राइट द रिमेनिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपको सब्स्ट्रैक्शन मीन्स, यहाँ पे सब्स्ट्रैक्शन मीन्स माइनस करना, ओके। सो यहाँ पे आपको बोला है क्वेश्चन में कि जो क्रॉस है उनको छोड़ के जो बचे हैं उनका आंसर यहाँ पे आपको लिखना है। तो 1, 2, 3 कितने बनानास है, 3। तो आपका आंसर ये आएगा 3, ऑप्शन नंबर बी। देन यहाँ पे सेकंड दिया गया है कि क्रॉस आउट को छोड़ के जो बचे हैं वो कितने माउस है, ओके। तो यहाँ पे कितने आएंगे, 1, 2, 3 और 4। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, 1, 2, 3, 4 जो 1 क्रॉस किया है उसको छोड़ देना है, बचे हुए आपके आंसर है 1, 2, 3। तो यहाँ पे 3 आपका आंसर आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, द डिफरेंस बिटवीन 6 एंड 3। 6 और 3 में जो डिफरेंस है, मीन्स 6 में से 3 को माइनस करना है, तो कितना बचा, 3। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 3। देन यहाँ पे आपको दिया गया है, आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, इन द गिवन पिक्चर क्रॉस आउट द टेबल विथ ओनली 2 आइटम्स, हाउ मेनी टेबल्स आर लेफ्ट। मीन्स आपको जिस टेबल पे 2 आइटम्स है उसको क्रॉस आउट करना है। अभी यहाँ पे 2 आइटम्स है, यहाँ पे और यहाँ पे, इनको क्रॉस आउट करना है, ओके। तो देखिए 1, 2, 3, 4 बचे हमारे, 1, 2, 3 और 4। तो ये हमारा आंसर आएगा 4, रिमेनिंग टेबल्स आर 4। देन यहाँ पे इन द गिविन पिक्चर क्रॉस आउट द एनिमल्स विच कैन फ्लाई, फाइंड द नंबर्स ऑफ एनिमल लेफ्ट। तो जो फ्लाई कर सकते हैं उनको आपको क्रॉस करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, बटरफ्लाई, हनी बी एंड बर्ड, इनको क्रॉस किया है। तो बचे हुए एनिमल्स फ्लाई नहीं कर सकते, तो वो कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो आपका आंसर सी आएगा, ऑप्शन नंबर सी, 5। फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है, यहाँ पे आपको 7 में क्या करना है, 5 माइनस 1 करना है, 4 आएगा। 8, अ लाइन ऑन विच वी राइट नंबर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ऐसे 1, 2, 3 जिस लाइन पे होते हैं उसे कहते हैं नंबर लाइन। द सिंबल फॉर सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है उसे हम माइनस कहते हैं, रीड एज अ माइनस। 10, यूजिंग फिंगर सब्सट्रैक्ट 6 फ्रॉम 7, आपको फिंगर्स का यूज़ करना, अपने फिंगर्स का यूज़ करके 7 में से 6 को माइनस करना है, आपका आंसर आएगा 1। देन क्रॉस आउट द किड्स विद बॉल इन द पिक्चर, हाउ मेनी किड्स विथ अदर एक्टिविटीज़ रिमेन। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जिन बच्चों के पास बॉल है उनको क्रॉस आउट करना है, और जिनके पास नहीं है उनका नंबर लिखना है। तो यहाँ पे क्रॉस किया है, जिनके पास बॉल्स है उनको क्रॉस किया है, और जो बच्चे हैं वो हमें अभी देखने हैं। 1, 2, इनके पास बॉल नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो 7 यहाँ पे आया, ओके। सॉल्व द फॉलोइंग, तो ये आप इजी से सॉल्व करेंगे, 9 माइनस 6, 3। आंसर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सब्सट्रैक्ट 3 फ्रॉम 9, ये नंबर लाइन दी गई बच्चों, आपको इसमें क्या करना है, 9 में से 3 को माइनस करना है। तो यहाँ पे आप ऐसे उल्टी जाएंगे, कैसे, 9, 8, 7 और 6, ये 3 माइनस किए हमने, हमारा आंसर आएगा 6। सब्सट्रैक्ट 34 फ्रॉम 77, तो 77 हमारा बड़ा नंबर ऊपर आएगा और छोटा 34 नंबर नीचे आएगा। तो इसमें देखिए 77 माइनस 34 हमारा आंसर आएगा 43, ओके। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इजी है बच्चों, समझ लीजिए सिर्फ। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं, वेरी इजी। राम हैज़ 10 चॉकलेट्स वाइल रीता हैज़ 20 चॉकलेट्स, हाउ मेनी मोर चॉकलेट्स डज रीता हैव। तो यहाँ पे राम के पास 10 चॉकलेट है, रीता के पास 20 चॉकलेट है, तो रीता के पास ज़्यादा कितने हैं राम से, तो ये निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 20 माइनस 10, 20 में से 10 को माइनस किया, हमारा आंसर आया 10। तो रीता हैव 10 चॉकलेट्स, ओके। बड़ा नंबर हमें पहले लेना होता है, जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तब हमें बड़ा नंबर पहले लेना होता है। देन 45 स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स एंड इफ वन ग्रुप हैज़ 22 स्टूडेंट्स, फाइंड द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द अदर ग्रुप। एक ग्रुप था जिसमें 45 स्टूडेंट्स है, और वो 45 स्टूडेंट जो है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हुए हैं,
और इफ वन ग्रुप, अगर एक ग्रुप में 22 स्टूडेंट्स है तो दूसरे ग्रुप में कितने हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है बड़ा नंबर हम ऊपर लेते हैं 45, उसमें से 22 को माइनस करेंगे, हमारा आंसर आएगा 23। ओके, 5 माइनस 2 3 आया, 4 माइनस 2 2 आया, तो 23 स्टूडेंट्स इन द अदर ग्रुप में कितने स्टूडेंट है, 23। देन झरना बेक 14 कुकीज़ फॉर द स्कूल कुकीज़ फेस्टिवल, इफ़ शी सोल्ड 12 कुकीज़, हाउ मेनी कुकीज़ वेयर लेफ्ट विथ हर, मीन्स झरना जो गर्ल थी उसने क्या किया, 14 कुकीज़ को बेक किया, उसके स्कूल में फेस्टिवल था तो उसने क्या किया, 12 कुकीज़ जो थे वो उसने सोल्ड किए। ओके, तो उसके पास कितने बचे अभी, हाउ मेनी कुकीज़ वेयर लेफ्ट विथ हर, उसके पास कितने बचे, लेफ्ट मीन्स बचना, कितने बाकी रहे, तो 14 हम क्या करेंगे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे, 14 माइनस 12, तो आंसर आया 4 माइनस 2 2, 1 माइनस 1 0, तो 2 कुकीज़ वेयर लेफ्ट विथ हर, तो उसके पास अभी 2 कुकीज़ बचे, ये इसका आंसर हुआ। देन लास्ट क्वेश्चन दिया गया बच्चों, देखिए यहाँ पे मालती हैज़ 15 फ्रूट्स विथ हर, हर फ्रेंड्स लीला हैज़ 25 फ्रूट्स, बोथ वॉन्ट एन इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स, हाउ मेनी फ्रूट्स शुड लीला गिव टू मालती, मीन्स मालती के पास 15 फ्रूट्स थे और लीला के पास 25 फ्रूट्स थे, तो दोनों को अगर इक्वल करना है तो लीला को कितने देने होंगे मालती को, तो वो यहाँ पे करना है हमें, बड़ा नंबर हम पहले लेंगे 25, उसमें से 15 नंबर को माइनस करेंगे, तो 10 बचे। ओके, तो 10 क्या करने हैं, लीला को मालती को देने हैं, जिससे दोनों के जो फ्रूट्स है वो इक्वल हो जाए, नंबर्स में इक्वल हो जाए, तो यहाँ पे 10 हमारा आंसर आया, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 10 फ्रूट शुड लीला गिव टू मालती, तो लीला को 10 फ्रूट्स मालती को देने होंगे। ओके बच्चों, तो चलिए आपको ये समझ में आया होगा प्रॉपरली, अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में, अगर बच्चों आप नए हो इस चैनल पर तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही लेक्चर्स वीडियो आपको अवेलेबल होते रहेंगे टाइम टू टाइम। ओके बच्चों, अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगे तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।